नीतीश कुमार के अधिकारी डाकू हैं। क्या आरजेडी को ऐसा लगता है कि बिहार में अंगुली माल डाकू और डाकू खड़ग सिंह जैसे कुख्यात पदाधिकारी बैठे हुए हैं? ये सवाल क्यों? ये सवाल इसलिए क्योंकि इशारों ही इशारों में आरजेडी ने नीतीश के अधिकारियों को डाकू करार दे दिया है। दरअसल बिहार में इन दोनों अधिकारी वर्सेज मंत्री की लड़ाई खूब सुर्खियों में है। इन दोनों को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में लगातार सवाल उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब लालू के करीबी नेता और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने एक बार फिर अधिकारियों को लेकर जोरदार हमला बोला है। दरअसल सुनील सिंह ने एक पोस्ट के जरिए नीतीश के अधिकारी को डाकू करार दिया है। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कह गए हैं एमएलसी। आरजेडी एमएलसी ने अपने फेसबुक के जरिए एक पोस्ट लिखा है और उसमें लिखा है कि देखिए मित्रों, मैं तो बिस्कोमान के अध्यक्ष के रूप में झूठी ही सही, लेकिन ईमानदारी की ख्याति तो प्राप्त कर लिया हूं, परंतु मेरे नाक के ठीक नीचे और अगल बगल में अंगुली माल डाकू और डाकू खड़ग सिंह जैसे कुख्यात तो पदाधिकारी बैठे हुए हैं। फिर भी चाहे जो कुछ भी हो, मैं तो ईमानदार हूं ना, वही हालत तो कहीं इस प्रदेश के ...?... देखिए मित्रों, कृपया इससे अन्यथा नहीं लेंगे, ये मेरी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। पीठ पत्र को लेकर शिक्षा विभाग के मंत्री चंद्रशेखर सिंह और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच तनातनी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। सीएम नीतीश की एंट्री के बाद भी इन दोनों का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि मंत्री दो दिन से अपने विभाग भी नहीं जा रहे हैं। वहीं के पाठक ने मंत्री के पीएस को विभाग आने पर भी रोक लगा दिया है। अब ऐसे में आरजेडी की तरफ से पार्टी के एक विधायक सुधाकर सिंह और एमएलसी सुनील सिंह की तरफ से इनके इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। इसके बाद सुनील सिंह का ये पोस्ट सामने आया है। वहीं अपने और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से चल रही नाराजगी को लेकर शिक्षा मंत्री ने इशारों इशारों में ही ये तो साफ कर दिया था कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। मंत्री ने साफ तौर से कहा कि मीडिया ने जो मंसूबा पाल रखा है, उस मंसूबे में मीडिया कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। हालांकि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश ने सीएम आवास पर बुलाकर दोनों को फटकार लगाया और जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार ने कहा कि इस तरह से कोई मसला सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, अगर कोई समस्या है तो आपस में चर्चा होनी चाहिए। हालांकि इसके बावजूद भी मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।